अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अस्मा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए यार, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे से ही वीडियो लाती रहती हूँ, आपको पता ही है। तो आज की वीडियो हम बनाएंगे माय चाइल्डहुड, यानी कि मेरे बचपन। तो मेरे बचपन की जो मेरे मैं आज आपको सारी अपनी बचपन की पिक दिखाऊंगी, जैसे मैं ये कितनी मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से मैं आज आपको सारी अपनी बचपन की पिक दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरी ये वाली पिक देखो। तो इस वाली पिक में मैं सिर्फ 22 दिन की हूँ, तो लग रही हूँ ना क्यूट सी। और ये है मेरी सेकंड पिक। इस वाली पिक में मैं लहंगा पहनी हुई हूँ और हाथ में चूड़ी पहनी हुई हूँ, पिंक कलर का लहंगा है मेरा। तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 3 साल की हूँ इस वाली पिक में। सो ये मेरी नेक्स्ट वाली पिक है। यहाँ है ना, ये मेरी पार्क की पिक है। यहाँ हम लोग जो है ना, सब लोग घूमने गए थे। यहाँ हमारी साइड एक पार्क है, तो पापा हमारे हमें जब हम छोटे थे तो वहीं लेके गए थे पार्क में। तो यहाँ मैं नेकर और टी शर्ट पहनी हुई हूँ। यहाँ मेरी पूरी फैमिली गई थी, तो थोड़ा मैं स्टाइल में लेट के फ़ोटो खिंचवा रही हूँ, मतलब अच्छी ठीक ठाक लग रही हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ मैं कोई 5-6-7 साल की ही होंगी बस। और ये मेरी बेस्ट पिक है, मेरी सबसे फेवरेट पिक। पता है इस पिक में मैं दुपट्टा, आप सोचोगे दुपट्टा ऐसे क्यों ओढ़ी हुई है, यहाँ मैं येलो कलर का दुपट्टा ओढ़ी हुई हूँ। ये दुपट्टा मैंने इसलिए ओढ़ा है क्योंकि यहाँ मेरा फर्स्ट रोज़ा रखा गया था, यानी कि मेरी रोज़ा खुशाई हुई थी, इसलिए मैंने गले में कंठा पहन रखा है और मेरा रोज़ा रखा गया था। तो थोड़े बहुत लोग ही आए थे रोज़े में, ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुआ था। तो ये मेरी वही वाली पिक है जहाँ मेरा फर्स्ट रोज़ा रखा गया था, मैंने अपना पहला रोज़ा रखा था। यहाँ मैं 8 साल की हूँ। ये है मेरी नेक्स्ट पिक। यहाँ मैं 10th क्लास में थी। अच्छा, पहले तो हम लोगों के पास मोबाइल होते ही नहीं थे कि हम लें और फटाफट सेल्फी ले लें, 2-3 सेल्फी ले लें। पहले तो हम लोगों को ना स्टूडियो ही जाना पड़ता था, तो मैंने स्टूडियो ही जाकर खिंचवाया फोटो जब मैं 10th क्लास में थी ना। तो ये मेरी तब की पिक है, और अब यहाँ एज बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है मैं 10th क्लास में थी। तो ये कितनी बड़ी एज होगी मेरी, कितनी मतलब कितनी एज की होगी। तो ये मेरी तभी की पिक है जब मैं 10th क्लास में थी। और अब ये मेरी है 12th क्लास की पिक, जब मैं 12th क्लास में थी। तो ये मेरी तब की पिक है, 12th क्लास में थी। हाँ, मैं तब की थी। मैंने ना पर्पल कलर का ये सूट बनाया था अपना, और मैं इसको पहन के, अच्छा पहले तो मेरे को ये शौक था, मैं कभी भी न्यू ड्रेस पहनती थी ना तो मैं फ़ौरन स्टूडियो जाती थी। ये चलो मुझे स्टूडियो लेके चलो, अम्मी से कहती थी मुझे स्टूडियो लेके चलो अम्मी, फोटो खिंचवाना है। या किसी के भी साथ किसी को भी पकड़ के मैं स्टूडियो चली जाती थी। फ़ोटो का इतना शौक था ना कि क्या बताऊँ, इतना क्रेज़ फ़ोटो का। तो इसलिए मेरे पास ये सारी पिके, मेरा मतलब मेरे पास इतनी सारी पिके, दो दो तीन तीन एल्बम भरी पड़ी है मेरी पिक। तो इसलिए ये मेरी 12th क्लास की पिक है जब मैं 12th क्लास में थी। और ये लास्ट में मेरी अभी की पिक है, लेटेस्ट पिक। मैं अभी शादी थी कहीं, मैं वहीं गई थी शादी में, बट सॉरी मैं व्लॉग नहीं बना पाई, तो मैं वहीं शादी में गई थी। ये मेरी अभी लेटेस्ट पिक है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी सारी पिक दिखा दी अभी की बचपन की, मतलब अब आप मुझे बताना कि आपको मेरी कौन सी पिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जहाँ मैं 3 साल की हूँ, या जहाँ मेरा रोज़ा रखवाया गया, या जहाँ मैं 10th क्लास में हूँ। मेरी आपको सबसे अच्छी पिक कौन सी लगी? मुझे तो अभी सबसे अच्छी पिक वही लगती है जहाँ मैंने रोज़ा रखा था और मैं सर पर दुपट्टा ओढ़ कर बैठी थी ना, मुझे वो बड़ी अच्छी सी लगती है वाली पिक। आपको कौन सी अच्छी लगती है मेरी पिक, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। अल्लाह हाफिज़।